नहीं मैं हंड्रेड रुपए हो गया तारा गण पत्रकार आओ लार थन पूछ लार तो नौकरी वालों ना क्या राख दी और क्या और आज तैयार है और पूछ रहे और आज अच्छे लाग रहे एक योगी अठियावलो जगह ने अमर रोटी मिले ली फंस के त्रिशूला और तलवार चमकी और करणी माता के रूप में उतार हुई हो और आज अठाऊँ अत्ता बच्चा नौकरी लग गया है और अत्ता लोगों की मान्यता है आज अब अठे उठे देखो ना जो सारो सैलरी निर्माण वो पहली तनख्वाह से चल रहे आज के 400 वर्ष पहले करणी माता जी की मूर्ति की स्थापना हुई बहुत सारे राजपूत रजवाड़ा मिलरी जगह की स्थापना करी है और अठाऊँ राज दिल को वरदान सदा से मिलते रही है दर्शन तो यार सपना में तो मान दे रही है के सारा तो बोल दे रही हां पीसीपी आईआईटी जेईई नीट और एनटीएससी का संपूर्ण उत्तर भारत में सर्वोत्कृष्ट संस्थान पीसीपी प्रिंस कैरियर पायोनियर इंजीनियर और डॉक्टर बनने के सपने को करें साकार पीसीपी के साथ। राम राम जी, मैं खुशबू जलको सिक्कर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंच गई हूँ खंडेला तहसील के अंदर जो खटुंदरा राय माता को मंदिर है आवा है बड़े मैं पहुंची हूँ। थर एक बार तो अचंभो होगा कि भाई यहाँ की भी कोई माता है कि कोई कहावत बोलता होगा ऐ कुछ बोलता होगा, पर यह रियल बात है नौकरी वाली माता या एक यहाँ पोस्टर कौन लगा रखे ना कोई दिखावट की है नौकरी वाली माता, मतलब इजा जो भी भक्त लोग आवे ही बस नौकरी पावी ही। तो अपा जो माता को मंदिर है एक अंदर चलांगा और जो नौकरी वाली माता है यो नाम क्यों निकाल रखे है यो भी जो डका पुजारी जी ही देखभाल करी ही पूजा पाठ करी ही बहुत बातचीत करांगा पूरे मंदिर के बारे में जानांगा। सबसे पहले हिंगलाज माता पार्वती जी को उतारू यो हिंगलाज माता के बाद में जो को उतारू यो वो आवड़ माता के रूप में हो। आवड़ माता अपना इलाका के मायने थोड़ा दुर्लभ नाम है इसलिए सब जान सके इसके लिए अन्य तरनोट माता का नाम से जाने जाए तरनोट राय जिसे पाकिस्तान बम गिरे 3000 बम आज भी बिना छूटेड़ा चालू बम पड़े है जिसका सरकार सहेज और कांच के मायन बंद कर रख मिले और बठे एक बहुत बड़ो पैनोरमा बनेड़ो है जैसलमेर में बी देवी को मंदिर है वो आवड़ माता को आवड़ माता इंगलाज माता के बाद में दूसरा अवतार मान्यो जाए वहाँ के बाद में होया करणी माता और करणी माता के बाद में तीसरा अवतार मां मान्यो जाए है इंद्र भाईसा को। इंद्र भाईसा आप खुद आया और मूर्ति की स्थापना करी। अच्छा, इंद्र भाई सा मूर्ति की स्थापना करी एक योगी अठियावलो जगह ने अमर रोटी मिले ली तो बा अमर रोटी आज का युवा जान कौन सके तो अन्न माता जी ने अन्नदाता अन्नदाता को मतलब वो है अन्न का देवाल या रोटियां का देवाल अन्न देवाल और अमर रोटी को मतलब होगा कि बिन आजीवन मतलब भी को रोजगार चले रोटी बिन मिलती रहे लेकिन ऐ चीज़ है जो कि आज का युवा के लिए थोड़ी दुर्लभ है तो इन अठा का शॉर्ट नेम है लोग बागी के लिए इन पूजवा लागा नौकरी करने माता चारण हुई ही बाकी कुलदेवी है ये माता जी जो आज भी एक कच्चे स्थानों पूजी जाहे जहाँ कि भाई देख सको कि लेव को इजा लेव लोग लगा के जाहे लेव को ही है इतना बड़ो मान लो कि मंदिर उठा भी आलेशान मंदिर उठा भी और गढ़ उठा हुआ भी ये मंदिर ने कच्चो ही पूजो जा है क्योंकि वो माता को एक आशीर्वाद है और जो चारण लोग हुई ही वह पूजी ही और मंदिर है एक निर्माण कार्य है वो चल रहा है। नीचे देखा तो एक गुफा है और ये गुफा में चाल के माथा ने दिखाऊंगी अभी आप जो गुफा है अभी के अंदर चलांगा और गुफा के अंदर चाल के देखा जो दर्शन ही दृश्य है वो मैं थाने दिखाऊंगी। जो माता जी की जो प्राचीन ने एक फोटो है भाई जा लागरी है थे देख सको हो यो थाने दिखण में कौन सा पेड़ लाग रहे बा मन कमेंट में जरूर बता दियो पर मैं थाने बताना चाहूँ कि यो अमर वृक्ष इसलिए यो कहो जा है कि पहले जा झाड़ी ही बोरी वाली झाड़ी और बी के बाद में जा जो जाटी है बाओगी और जाटी के बाद में यो पिपल को पेड़ है बोगो मतलब जो जाटी है जै मैं थाने बताना चाहूँगी भाई सूखगी पर जाटी और पिपल बिल्कुल एक मिलाप हो रहे मतलब एकदम मिल रहे ही है। साथ साथ में ही मैं बताना चाहूँ जो यो पेड़ है पेड़ के कोई भी आपकी मन्नत लेके आवे है तो बा मन्नत को नारियल और नारियल के साथ में जो सुहा नाल है वो बांध के चला जा है जा माता जी को जो मंदिर है वो थे देख सको हो कि इतनो प्यारो मंदिर है सामने जो माता जी ही विराजमान ही साक्षात। तो खुशबू जी आज आप खटुंदरा राय मंदिर पर पधारे हो और मानो तो अच्छा लगे हो कि जानी दो ही सूरज एक साथ उगे हैं महाराज कह के एक सूरज तो मां के माता जी का रूप में सदाई उगेड़ो ही रहे और हमेशा मैं थाने जल को भी पर देखता रहा और माता जी से यहाँ कामना करता कि एक दिन तो थे अन्न भी बुलाओ। अच्छा। तो आज थे यहाँ अठे आया ना बहुत अच्छे लाग रहे तो अठे मैं कोई मतलब वरिष्ठ आदमी है उनको पधारे ना कोई भी जो कहो मैं सब बांध रहा अपने राजस्थान की
एक संस्कृति है, तो मैं उस सपा के रूप में मखे ताऊ जी है जिकार ब्रिजपाल जी जगह मखे मंदिर का कर्मठ कार्यकर्ता भी है, ए है जगह मखे मेन जो सेवा करे जिकार मंदिर का कारीगर है जगह, तो ए आपको सपो बांध और आपको स्वागत कर बुचा रहे हैं दादाजी। हाँ, एकदम सही। आज तो लोकतंत्र है, कोई टाइम राजतंत्र हुआ करते तो राजतंत्र तो हर जगह पहुँच राजा महाराजा को वो काम, तो राजा के तो देखो इतनी बड़ी जनता होती है हर जनता तक भी पहुँच को नहीं पता, हर जनता के मायने खटिकाई हुआ कर दो खटिकाई हुआ कर दो, तो बे जी टाइम कहीं देखो कि जहाँ गाँव के मायने खटे हर जगह अपना गाँव गाँव में जा देखा जिठे एक लोक देवता है एक लोक देवी जो लोगों की मदद कर बैठे खिया ना खिया कोई रूप में आया है, तो ये खे के करनी माता है जगह जी टाइम का उतार लियो जो छोटा छोटा गाँव का आपस में लड़ाई हुआ करती और एक दो खया करे कि मिनक मिनक ने काटन लागे धरा पाप सू फाटन लागे जद लेवे देवी अवतार, तो करनी माता को उतार लियो जी टाइम का फंस के त्रिशूला तलवार चमकी और करनी माता के रूप में उतार लियो और बे एक बीकानेर और जोधपुर की स्थापना करी बड़ा घराना की जी टाइम का अबे, तो बे जी टाइम करनी माता जोधपुर की स्थापना कर और बीकानेर की स्थापना करी जोधपुर के माने चिड़िया टोंक माले बे गढ़ की एक नींव लगाई मेहरानगढ़ जिकन बोले, तो बे करनी माता का हाथों सू लगाई है, तो ये बोला कि करनी माता को जो ससुराल पक्ष का जगह रोहड़ चारण है जगह बहुत संपन्न घराना का हुआ करता बहुत बड़ा बे, तो बाका कई गांव फैलेड़ा है, तो बाई दो गांव है, एक को गांव को नाम है खारी जोधपुर में और एक को गांव को नाम है मथानिया, तो बठे करनी माता जी मतलब जद पत्तो चलियो तो बे बाकी मनवार करवन लेर गया आपके गाँव में बैठ गया, तो करनी माता जी के जिया जिया औरतें पगह लगी पुरुष आ जगह धोख दिया, तो माता जी आशीर्वाद दिया तो आपका बे जगह वंशज है बाका परिवार का है, तो बम में भी आशीर्वाद दिया दूधा ना और पुतां फल और थे मतलब खूब फैल जो जी हम एक है भाई आशीर्वाद दे दियो, तो यहाँ खे भाई काचर बेल फैल एक जिया फैल जो थे मतलब काचरा कता लागे बेलड़ी गए यहाँ, तो यहाँ खे कि भाई चारणा का मायन आधा तो रोड़िया चारण और आधा बाकी का चारण है, चारणा में एक दो और प्रचलित है कह पहली तो गोलियो और पच खोलियो, गोलियो खे भैरू जी ने और खोलियो खे मकान ने, तो आपको कोई भी मकान आशुरू बनाओ ना विश्व पहली भैरू जी की स्थापना करे और बेरुन जी की स्थापना जद हुए जद माता जी की स्थापना हुआ, तो खारी हूँ करनी माता जी का आशीर्वाद हूँ पाला जी नाम कर एक बई बाबी परिवार में हाज का पाला जी कोई मल ने मार गिर मतलब बड़ा पहलवान है, तो बटे बांगे दुश्मनी होगी जना बाने माता जी एक बच्ची ने आशीर्वाद दे एक देवी के रूप में बाकी सागे भेज दिया यह मान्यता है और बैठी ना आएगा, तो बी देवी कोई नाम हो कटू अंबरा तो नाम तो बांको है पूजा करनी जी महाराज की हुआ क्योंकि करनी जी सू बड़ा आज तनी मतलब कोई देवी हुआ को नहीं जगह एक मिनट में याद करे, तो आपने मान्यता यह है कि ससू ज्यादा जगह पूजा जाए तो भाई अपने बड्डा की मान्यता है भाई बड्डा नहीं पूछे मान नाम भी नुतम लिखे ना तो अपना अपना बडेरा को नाम लिखे जो बड्डो, तो मखे करनी जी सू बड्डा कोई नहीं मान्या को जाए चाहे कोई भी हो, तो भाई सेविका का रूप में हाँ करनी जी को आशीर्वाद दे रो हो तो नाम तो है बांको और पूजा है जगी करनी माता की है, अब इम आपने देवार लेवार जितना भी है जगह ए माता जी है, तो इस जगह को नाम नौकरी वाले करनी माता का नाम सु पूजी जाए, देखो अब अपवाद की भी तो कहीं करा आप आपकी मान्यता है आप आपकी श्रद्धा है, लेकिन अठे की पहले की जगह स्थापना है जगह खे भाई राज तिलक के लिए इस जगह की मान्यता ही, फिर करनी माता का ही अवतार हुआ जगह इंद्र भाईसा का नाम सु पूजे, तो बे भी ई मंदिर की आ और अठे जोत करी है और बार अपना देख रहे अभी मूर्ति की स्थापना करिए और बेबी आपका आशीर्वचन दिया है कि अठे कोई आओ लो जगह अमर रोटी मिले ली, अब थे बताओ कि कोई भी जोगाड़ सो थान अमर रोटी मिला हमेशा था नती रोटी मिलती रहे, तो बगाई इंद्र वैसा को तो नाम ही अन्नदाता है कोई भी बान पूजे ना अन्नदाता का रूप में पूजे, अब आज की जगह लोकल जगह लोग है जगह आज की जनरेशन है वह अन्नदातार इनका चीज शब्द समझे को नहीं, तो बे कहीं है कि इन्हें नौकरी वाली करनी माता का नाम सु भाई आवे और भाई मांगे तो रोजगार ही है वो कोई ना कोई सुरमन रोजगार मिल जाए, तो अब अभी कोई नहीं भाई नौकरी की मोर लगे कई लोग बागे हैं कहे अब मांग भाई नौकरी मांगो बड्डो बिजनेस साल को, तो बगे हमारी कल्पना से ऊपरों करो एक हमारे एक कोई पंडित था ब्राह्मण हा जगह वकील हा भाई कोई केस लड़ बैठ जाता रात दिन अठे धोख दे जाता माता जी महाराज में केस में जीत जाऊँ, तो बे एक दिन ये क्या भाई मारे सपना कमाए ने मनी आवाज़ सुनी जी क्योंकि तू यहाँ भाग तो क्यों फिर तू ही जज बन जा, तो बे पासे मतलब आपका भाई सारा भाई विवाद तो छोड़ दिया दिल्ली जा तैयारी करवा लागा और बे जज बन गया, तो बे खे मन तो माता जी को आशीर्वाद मिले, तो यहाँ मेरे लोगों की अलग अलग कोई सपना में दिखे कोई ने कहीं दिखे, आज एक थान बताऊँ आज वो एक चमत्कार ही है कि जी आई माता जी को चमत्कार नौकरी वाली करनी माता को नाम सू बोर्ड लियार मखे एक मखई गाँव का है जगह लियार लगाया भाई मोहन जी नाम वाँग जना लोग बाग मनी कि होगा एक दिन पत्रकार आओ लार तन है ना जो यहाँ खिला रहे खिला अरे आज माता जी को चमत्कार यान को भी कब आ रहा है पत्रकार बन पूछ रहा है वो चमत्कार को नहीं माता जी को नहीं मन यहाँ डर पाए होगा तारगन पत्रकार आओ लार तन पूछे लार तो नौकरी वाला नाव क्या राख दी और क्या लेकिन माता जी आया जरूर
पूछ रहा भी है पत्रकार के सामने ही बैठे यार वो दृश्य जिस दिन हो जनरल मंडल पार खे रहा और आज ते आ रहे और पूछ रहे और आज अच्छे लाग रहे तो माता जी को चमत्कार तो है ना। और मैं जिस दिन ये कहूँ आओ लाग मैं पूछ लाग जगह माता जी महाराज जवाब दे ला मैं तो कह दूँ और आज माता जी महाराज जवाब दियो है कि आज अठाऊँ अत्ता बच्चा नौकरी लग गया है और अत्ता लोगों की मान्यता है आज अब अठे उठे देखो ना जो सारो सैलरी निर्माण वो पहली तनख्वाह से चल रहे बाकी कोई भी प्रकार को एन को तो कोई अठे कोई ट्रस्ट भी कोई नहीं और भी कोई नहीं। हालांकि वहाँ गाँव की एन की आस्था है कि बकरी भी बैसी ना तो भाई पहली प्रसाद अठे लियार माता जी के छड़ा सी आस्था बहुत जोर की जुड़ी है। अभी बार रामनवमी ने एक मेलो भरी जो हर रामनवमी भरे तो अभी मतलब पग मेल बट जगह रहता लोग बाग आवे अच्छा सांस्कृतिक प्रोग्राम हुए और अठाऊँ मक है एक छे गनमीणा नाम कर है जो इंटरनेशनल खिलाड़ी है जो भी मेला कमाए सू अठासू ही निकले उड़े है। आज भी परिवार में इंतजार पूछो आज मांगा तीन चार बच्चा नौकरी लग गए अब आज भंडारो चलो तो बे मतलब पूरा परिवार समर्पित हो गए और गाँव में तो कोई नहीं बाजार देख लियो बुलाए सू खटे भी बैठे हो मांगा आज नौकरी करवा लो खटे भी कोई आदमी है तो वो पहलो आपको भी चीज़ नहीं माना कि मत करनी माता की वजह से ही करा खटे भी कोई दिक्कत आओ जाना माता जी ने याद करे तो वह भी कोई ना कोई रूप से मदद कर दे बाकी और खेबड़ा को तो आप कहीं करो तो आपका माँ बाप ने भी कोई माना नहीं माना जगह बाद आज के 400 वर्ष पहले करणी माता जी की मूर्ति की स्थापना हुई और लगभग आज के 90 साल पहले जी मूर्ति है आवड़ जी की जगींद्र भाई साहब का हाथों सू अठे आर विराजमान कर गया। लेकिन अठे की जगह मान्यता है वह तो बहुत प्राचीन बताओ कि खंडेलानिया कहे कि खंड में खंडेलो एक ही है और एक पीछे का कारण ये है कि भाई देवी रास रमती टाइम में शंकर भगवान ने आपका मतलब नृत्य के द्वारा भी ना लाश्य बोले भी वो रिझाया और रिझाया जो वहाँ का कोई घोघरा खुलर पड़गा गेना वेना जठे गिरया भी जगम खंडेलो बस को और एक खंड में पूरा में यह कह एक मान्यता है खंड में खंडेलो एक ही है और खंडेलो यानी कि सुंदर जगह है एक मान्यता नत्ती देवियाँ का मंदिर मिल रहा यहाँ कहे राम भी एडो है यहाँ कहे कृष्ण भी एडो है खंडेला में एक कदमा की जोड़ी बोले जगह आज खंडेला धाम का नाम से बोले बट इतने जा देखो देवियां का मंदिर ही मंदिर है ओम का कार में देवियां का मंदिर बने है अत्ता कुलियाँ की कुलदेवी है बट तो वो एरियो अपना आप में एक शक्ति स्थल है। तो इस अठीकर जद वे पूर्वज अठीकर निकलिया तो बन अठे आशीर्वाद या कोई बन कोई वरदान मिलियो या कोई चीज़ की नहीं गई हुई वेली तो भाई अठे स्थापना करी बहुत सारा राजपूत रजवाड़ा मिलरी जगह की स्थापना करी है और अठाऊँ राज के लक्को वरदान सदा सो मिलते रही है। अठे का कृषक जगह भी किसान है जगह असंपन्नता के लिए जाने जाए अठान जो खाणियाँ लोग बोलता था गन का सेका वाटी का लोग बागवान है अठा खाना लेकिन अठा की जगह जो की पैदावार है जो कि बहुत ज़्यादा होती है। चोलाई बोला एक कुआ को नाम जो चोलाई जगह मतलब चार लाव चलती है एक सागर तो पानी हो चोलाई चार लाव वाली चार लाव चलती है एक सागर चोडाणी जगह के चार डाणा जगह चार डाणा में सागर चढ़स पड़े तो फिर एक बार एन को भी एक विवाद हो कि कोई साधु हो जगह ने पानी के लिए मतलब ललकार दियो तो वो शराब दे दियो और पानी पी गो जना भी माता जी महाराज ने याद कर यार भाई आपका पेट को पानी दियो यहाँ के जहाँ मीठो पानी तो चलेगा और जलबड़ो पानी आएगो लेकिन वो पानी आए भी उस पैदावार बहुत ज़्यादा होया करती तो बन जगह पे पानी के लिए पूजा करी बन भूमि जगह रूप में आज भी पूजा यार नारियल चढ़ाता है मे बरस जाए अठे की मान्यता भी है। अब तो अठे मिंद्रो काम था लोग जरा मेरे मदद हुई जैसी करी मांग करी जरा मेरे दोस्ता की अब दो ही तो लागो अच्छा थे या सोचता कि भाई मेलो दो ही तो सेट हो जाए। हाँ सेट हो जाए जनाब लागो दो लागो। ही तो क्या में लागे हुए बीएसएफ बीएसएफ में लागे हुए दर्शन तो या सपना में तो मान दे रही है कि जना तो बोल रही हां वीडियो इन्हें थोड़ा शेयर कर दियो ताकि सब लोग हिंबा माता का दर्शन कर ली और आपने चैनल ना सब्सक्राइब जरूर कर लियो। जय हिंद।